गेमर फ्लीट। भाई प्रॉपर ड्रिफ्टिंग मशीन है ये। गेमर फ्लीट की सुप्रा। ओ भाई ये गाड़ी बहुत इनसेन मॉडिफाई हुई है। आप में से बहुत लोग ये कहते हो कि भाई तेरी सुप्रा में दम नहीं है। गेमर फ्लीट की सुप्रा तेरी सुप्रा से बहुत ही ज्यादा तेज एंड बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड है। लिटरली ये सब कमेंट्स देखो यार, ये सब क्या है यार। लिटरली जब भी मैं अपनी सुप्रा दिखाता हूँ, आप में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई तेरी सुप्रा में ये कमी है, तेरी सुप्रा कम मॉडिफाइड है, तेरी गाड़ी में ये दिक्कत है। सो गाइज आज मैं अपनी गाड़ी को कम्प्लीटली मॉडिफाई करने वाला हूँ एंड आई चैलेंज यू रिस्पेक्टेड गेमर फ्लीट। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ बड़े भैया, ठीक है। आज हो ही जाए यार आपकी सुप्रा वर्सेस मेरी सुप्रा, एक कंप्लीट ड्रैग रेस। ओके तो मैं जस्ट चाहता हूँ गाइस आप ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जो गेमर फ्लीट फैन है, प्लस जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड गेमर फ्लीट तक भी पहुंच जाए यार। एंड कमेंट भी कर देना अगर आप उनकी वीडियो देखते हो तो उनकी वीडियो पे कि भाई डेट्रैक्स ने आपको चैलेंज दिया है। और जो हेटर्स है भाई कमेंट में ये सब मत लिखना कि तू होता कौन है गेमर फ्लीट के सामने ऐसा वैसा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है भाई आप अभी वीडियो बंद करो, आउट भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। बट गाइस जो गेमर फ्लीट फैन है मेरे फैन है, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ऑलराइट गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार गेम में अभी अभी सुबह हुई है एंड ये है मेरी टोयोटा सुप्रा। भाई अभी अभी सुबह हुई है तो यार मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी गंदी हो जाए, बट खैर मैं आपको अपनी टोयोटा सुप्रा की साउंड सुनाता हूँ, ठीक है। ये सुनो भाई, ध्यान से सुनना साउंड, ये देखो। है ना भाई बवाल चीज। भाई कुछ भी बोलो यार, मैंने इस गाड़ी पे बहुत पैसा खर्च किया है, बट गाइस आप लोग कहते हो ये उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है जैसी भाई उनकी है। उनकी में मैंने देखा था सामने में उनका, जैसे मेरे पीछे में ये लगा हुआ ना, क्या कहते हैं एग्जॉस्ट, उनका सामने में लगा हुआ है ट्रैक्टर की तरह, ठीक है। तो वो आई थिंक सो आप में से बहुतों को कूल लगता होगा, बट मैं आपको उसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। उनकी गाड़ी आई थिंक सो, मुझे नहीं पता उनकी गाड़ी का टॉप स्पीड कितना है, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने उनकी सुप्रा वाली वीडियो पूरी नहीं देखी ताकि चीटिंग ना हो जाए भाई। और मैं आज अपनी ये वाली सुप्रा को बेचने वाला हूँ एंड एक नई सुप्रा खरीदूंगा भाई, कंप्लीटली नई सुप्रा, एंड हम लोग यार उसको मॉडिफाई करवाएंगे एंड देखेंगे कि भाई क्या वो गाड़ी इतना ज्यादा कैप्चर कर सकती है कि हम लोग यार गेमर फ्लीट को हरा दे। वैसे हम लोग भाई में आ चुके हैं भाई साहब, टूट गई गाड़ी यार। खैर चलो कोई बात नहीं, ये क्लीन हाईवे है, गाड़ी का साउंड तो मैंने आप लोगों को सुना दिया एंड गाड़ी की टॉप स्पीड प्लस 0 to 100 देखते हैं गाड़ी कितना देर में पकड़ती है, ठीक है। 1 2 3 लेट्स गो। बाय द वे मेरी गाड़ी 10 गियर की है, ठीक है, मैं 10 गियर की सुप्रा बना के रखा हूँ जो कि गाइस यार कम्प्लीटली ड्रिफ्ट मशीन है यार। हालांकि उनकी भी ड्रिफ्ट मशीन है, बट आई थिंक सो मेरी गाड़ी ज्यादा ड्रिफ्ट करती होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब डिपेंडेबल है भाई, जिनको ड्रिफ्ट अच्छे से आती होगी तो यार वो तगड़े कर लेंगे, बट गाइस मेरी गाड़ी बहुत तगड़ा ड्रिफ्ट करती है एंड मेरी गाड़ी की टॉप स्पीड देखो। ओके लेट्स गो, 440 पार, 443 पार, 444, 445, ओके लेट्स गो, 450 क्रॉस करना है, चल सुप्रा। ओके 450 भाई साहब, ओके लेट्स गो, 451 अभी तक का हाईएस्ट है, राइट, ये मेरी सुप्रा का हाईएस्ट है एंड आई थिंक सो गेमर फ्लीट ने इससे ज्यादा स्पीड कैप्चर किया होगा। आई डोंट नो, मैंने उनकी टॉप स्पीड कसम से नहीं देखी है, जिन्होंने देखी होगी भाई प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में, एंड मैंने उसमें मैसेज वगैरह भी कर दिया कि भाई आ जाओ दो हाथ कर लेते हैं एक बार यार, बट खैर डिपेंड करता है रिप्लाई करे कि नहीं करें, मतलब यार करेंगे आएंगे कि नहीं मेरे साथ ड्रैग करने। बट खैर ये गाड़ी मेरी इतनी भागती है, उनकी गाड़ी कितनी भागती है अगर आपने उनकी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके बाय द वे भागती मेरी गाड़ी 451 है एंड मेरी गाड़ी में ड्रिफ्ट देखो। आप में से बहुत लोग बोलते हो 10 गियर की गाड़ी क्यों बना के रखा है भाई तूने, सुप्रा में 10 गियर थोड़ी लगते हैं, मैंने इसे लगाया भाई ताकि ये गाड़ी ऐसे ड्रिफ्ट कर सके, ठीक है, ये हर गाड़ी नहीं कर पाती। अगर मैंने गाड़ी में 10 गियर इंस्टॉल किए हैं तो भाई उसके पीछे भी रीजन है, राइट। चलो जिन लोगों को शक है उन लोगों को मैं ड्रिफ्ट दिखाता हूँ, चौथे गियर में देखो, चौथे गियर में मैं ऐसे ड्रिफ्ट कर सकता हूँ बड़े प्यार से भाई, एंड फिफ्थ गियर लगाया तो गाड़ी आगे निकलेगी, ठीक है, टैकल करने के लिए, ये देखो ऐसे भगाने के लिए, ये देखो ये ड्रिफ्ट हुआ एंड मेरे को अगर सीधा जाना है तो मैं फिफ्थ गियर लगा के ऐसा आराम से कंट्रोल ले सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा एडवांटेज है जो मैंने भाई 5 गियर लगा के किया है, राइट। और मैं आपको अभी पूरा सर्कल करके दिखाता हूँ कैसे सर्कल कैसे करती है मेरी गाड़ी, लग गया। चलो भाई अब यार पूरा सर्कल ड्रिफ्ट करेंगे, ओके ओके, आराम से 5th-4th गियर एंड लेट्स गो बेबी, आराम से ड्रिफ्ट भाई, ये देखो यार कंप्लीट ड्रिफ्ट था भाई, कंप्लीट ड्रिफ्ट एंड फिर भी ड्रिफ्ट कर ही रही है भाई गाड़ी। भाई
ये देखो भाई ऐसे किया जाता है ड्रिफ्ट यार। खैर मैं यार अच्छा ड्रिफ्ट कर लेता हूँ, हालांकि स्टार्टिंग दिनों में नहीं कर पाता था, बट गाइस अब मेरी गाड़ी अच्छी खासी ड्रिफ्ट कर लेती है। एंड मेरी गाड़ी को 0 to 100 पकड़ने में कितना टाइम लगता है वो एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे एक ड्रैग रे। ओ भाई वो कौन है ब्रो? हेलो Who's the buddy यार, वो GTR में था शायद से, निशान GTR। कौन सी गाड़ी है भाई? ओके नहीं नहीं नहीं, उसके पास BMW है, गाड़ी चेंज करने गया। खैर मैं 0 to 100 आप लोगों को तब तक दिखाता हूँ। ये है पहला गियर, ठीक है, चार गियर लगते हैं गाड़ी में 0 to 100 पकड़ने में, एंड चार गियर तक गाड़ी भाई फटाके फोड़ती है, फड़ 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 पूरा फटाका चार गियर तक, ठीक है। चलो खैर 1 2 3 लेट्स गो। ओके एक, अरे 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 मैं गलती कर रही है 1 2 3 लेट्स गो। ओके गाइस यार मेरी गाड़ी पिकअप थोड़ा लेट है, 2.3 सेकंड लगे होंगे मेरी गाड़ी को, थोड़ा सा मैंने यार 10 गियर इंस्टॉल किए हैं तो यार पिकअप में थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने इस गाड़ी को ऐसा मॉडिफाई किया कि भाई स्पीड भी अच्छी दे, कंट्रोल भी अच्छी हो। देखो यार 300 की स्पीड में मैं ऐसे कर रहा हूँ स्टेयरिंग, देखो भाई ऐसे में गाड़ी पलट जाती है, ये गाड़ी पूरी स्टेबल है ब्रो, ये मैंने मॉडिफिकेशन किया है। ओके लेट्स गो भाई, गाड़ी पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल देती है भाई साहब। ओके चढ़ाऊ में भी इतना स्पीड दे रही है, लेट्स गो लेट्स गो, कंट्रोल देख रहे हो, गई कंट्रोल भाई। सुप्रा वन ऑफ दी हार्डेस्ट कंट्रोल कार है, मैं आप लोग से मजाक नहीं करूंगा, किसी की भी वीडियो देखो यूट्यूब पे, सुप्रा को कंट्रोल कर पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई। सुप्रा वन ऑफ दी हार्डेस्ट कंट्रोल कार है। ओके एंड मैंने इसे भाई ऐसा मॉडिफाई किया कि गाड़ी इजीली कंट्रोल हो जाती है, एटलीस्ट 350 के बाद भी कंट्रोल होती है, 400 को पार करने के बाद गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कतें देती है, ठीक है ये बात तो है, बट गाइस गाड़ी मैंने अच्छी मॉडिफाई की है राइट। चलो खैर मैंने आप लोगों को टॉप स्पीड दिखा दिया, एंड अब चलते हैं एक ड्रैग रेस करने, जो कि भाई साहब मैं आज करना चाहता हूँ थोड़े पैसे के लिए, ताकि आज एक मैं नई टोयोटा सुपरा खरीद सकूं भाई, MK4 ठीक है, MK4 या MK5 दोनों खरीदेंगे भाई। तो इसके लिए मैं अपनी एवेंटाडोर को लूंगा, मेरी एवेंटाडोर भाई साहब मेरे पास जो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है ना, चुम्मा एवेंटाडोर, आप लोग देख के पागल हो जाओगे। ये रही भाई मेरी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर LP700 भाई, ये लिटरली 2012 की कार है, एंड मैंने इसे 2 दिन पहले ही खरीदा पिछले एपिसोड में। गाइस बहुत तगड़ी गाड़ी है, स्पीड भी बेदम है भाई, मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ। ओके सुपरा से ज्यादा फास्ट है, लेट्स गो। वैसे भी अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है यार, स्पीड पकड़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को। 6 गियर की कार है भाई, 6 या 7 गियर की कार होगी, हाँ 7 गियर की कार है, लेट्स गो। छठवा में भाई 410 पार हो गए, 7th गियर देख लो, कंट्रोल भी देखो, मैं स्टीयरिंग से हाथ हटा दिया हूँ, फुल कंट्रोल है, स्टीयरिंग कितना हिल भी रहा है। ओके 450 पार, ये भाई सुपरा का रिकॉर्ड टूटते हुए 451 452। ओके ये 470 तक जाती है अगर मैं अच्छे से कंट्रोल करके चलाऊं तो, बट गाइज यार 450 के बाद यू नो गाइज गाड़ियों की फटके चार हो जाती है कंट्रोल करने में, वैसे मैं थोड़ा ज्यादा आगे आ चुका हूँ यार। खैर ब्रेक लेट्स गो, यार ये मस्त गाड़ी है भाई, मेरी ड्रीम कार है एक्चुअली, मैं मजाक नहीं करूंगा, मेरी ड्रीम कार है एवेंटाडोर यार, अभी तो इसने लिया ना श्रद्धा कपूर ने भाई। ड्रिफ्ट भी भाई बेदम, रुको रुको मैं ड्रिफ्ट दिखाता हूँ। ओके शिट शिट शिट, आराम से रुको, अब देखो यार लेट्स गो भाई, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ओके चलो काफी है फिलहाल चलते हैं गाइस, यार हम लोगों को जो ड्रैग रेस करना है वहाँ। गाइस पता है क्या, मैं अपनी यार सुपरा MK4 को बेच देता यार, नई वाली खरीदता, जैसा आप लोग चाहते हो वैसा मॉडिफाई करता, सामने में नाइट्रो लगा के देखता, आई मीन एग्जॉस्ट। यार मैंने उसे कभी ट्राई नहीं किया, मैं ये भी नहीं कह रहा एक्चुअली कि भाई लगाने से गाड़ी का परफॉर्मेंस गिर ही जाएगा, डिपेंड करता है, क्या पता उन्होंने अलग लेवल का मॉडिफाई किया हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर लगाऊंगा तो भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस गिरेगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी खरीदूं एंड उसे मॉडिफाई करूं। एंड बाय द वे मेरी पुरानी वाली जो सुपरा MK4 है उससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी हैं यार, तो मैं उसको यार मॉडिफाई भी नहीं करना चाहता, प्लस यार उसमें और कुछ यार मेरे को करने का जरूरत भी नहीं है, जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से वो सुपरा है राइट। बट गाइस मुझे एक ऐसी सुपरा बनानी है जो गेमर फ्लीट को ही नहीं भाई पूरे दुनिया की सबसे वन ऑफ दी फास्टेस्ट कार हो भाई, ऐसी सुपरा, इसे ले कहते हैं गाइस, एक हाथ से कभी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए यार, लिटरली भाई बेचारे की गाड़ी ठोक दी, मेरे पास तो पैसे हैं मैं तो बनवा भी लूंगा, बेचारा वो क्या करेगा यार। चलो खैर ड्रिफ्ट बढ़िया हुई भाई गाड़ी, ओके लेट्स गो, यहाँ पे भी ड्रिफ्ट। चलो भाई हम लोग आए हुए हैं यार स्टेडियम, मुझे मारनी है ड्रिफ्ट 2-4 यार, यहाँ पे आज एक टूर्नामेंट होने वाला है और मैं अपनी नई नई एवेंटाडोर लेके जाना चाहता हूँ, ताकि भाई साहब हम लोग कर सके ड्रैग रेस, एंड यहाँ पे टूर्नामेंट है बेसिकली, अगर मैं ये जीत जाता हूँ तो ऑब्वियसली भाई लाखों करोड़ों पैसे मिलेंगे, एंड उन पैसों का नई वाली सुपरा MK4 खरीदेंगे भाई, लेट्स गो। एंड यू नो गाइस सुपरा MK4 वन ऑफ दी महंगी गाड़ी है गेम की भाई, पॉल वॉकर की है उसकी, क्या फास्ट एंड फ्यूरियस की कार है। चलो खैर 5 लैप का ड्रैग होने वाला है और मैं अपनी एवेंचर जॉर को लेके जाऊंगा।
वैसे मैं सुप्रा को भी ले जा सकता हूँ, लेकिन सुप्रा ड्रिफ्ट कार, ड्रिफ्ट कार ऑब्वियसली काम नहीं आने वाली। यहाँ पीछे अपने को सुपर फास्ट, सुपर अमेजिंग कार, ओके ये है मेरी एडवेंचर जोर। कैसी लग रही है कमेंट में बताओ। बैक इन दिस ड्रैग रेस भाई, बुगाटी शिरोन भी आई है, व्हाट, अब मजा आएगा भाई। देखो मेरी एवेंटर और अभी भाई बुगाटी शिरोन को कैसे हराती है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा गेम हार्ड मोड में जितनी भी गाड़ियां हैं सब भाई टॉप क्लास है, इवन मेरे आगे भी लैम्बोर्गिनी है। लेट्स गो, स्पीड अप स्पीड अप, ओके भाई 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 भाई, ओके आराम से लेट्स गो भाई। यार मैं इतना पीछे क्यों था, इवन भाई लैम्बोर्गिनी वेनेनो भी आई है, व्हाट, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां भाई, डर लग रहा है भाई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो रेस चालू हुई है यार, खाली स्पीड का खेल नहीं होता भाई, गाड़ी ड्राइवर को भी चलाने आनी चाहिए, ओके एंड, क्योंकि मैं बहुत बुरा चला रहा हूँ यार, ओके। मेन क्या है ना, ऐसी ट्रैक में ड्रिफ्ट मारना पड़ता है ऐसे जैसे मैं मार रहा हूँ, एंड ऐसे अगर मैं ड्रिफ्ट मारूं तो गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, ओके कोई बात नहीं गाइस, मैं फोर्थ पोजीशन में हूँ यार, ओके हो जाएगा, रुको ये तीसरा चौथा लैप है, नहीं ये तीसरा लैप है, लेट्स गो, हटो जा भाई फरारी, लेट्स गो यार, एवेंटेड और है फर्स्ट पोजीशन में, एवेंटेड और है वो, देखो वो नहीं लेटेस्ट वाली है भाई, एवेंटेड और सुपर वेल लॉक, वो एसवीजे है भाई वो, ओके लेट्स गो एसवीजे को हराना है मुझे, ओके क्या एवेंचर जोर, ओके मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ ताकि मेरे को स्पीड मिल सके भाई, ले भाई साहब स्वे भाई, मैं आगे निकल रहा हूँ, ओके ड्रिफ्ट मारूँ क्या गाइस, क्या बोलते हो, अगले लैप पे ड्रिफ्ट मारते हैं, ओके अगला लैप लास्ट होने वाला है तो यार ड्रिफ्ट मारने यहाँ पे मारते हैं, चलो आप लोग बोले और मैं ड्रिफ्ट ना मारूँ भाई, ऐसा हो सकता है क्या, लेट्स गो, ओके भाई प्लीज कंट्रोल, गई गाड़ी गई, ले भाई साहब कोई बात नहीं, मैंने एक रिवाइंड लिया, मैं खाली एक या दो ही लूंगा, ज्यादा नहीं लेने वाला, लेट्स गो, ओके ठीक है, ओके भाई मैं रिवाइंड लिया फिर, ओके कोई बात नहीं, एवेंट थोड़ा और हट जा, ओके कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस, अब स्पीड पकड़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ यार, टक्कर की वजह से गाड़ी भी डैमेज हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन जीतेंगे तो जस्ट ट्रैक्स भैया, ओके शिट फिनिश पॉइंट, लेट्स गो भाई, ड्रिफ्ट मार के जीतता है तुम्हारा भाई, आई ये फर्स्ट पोजीशन भाई, इसको कहते हैं रेयर। बहुत सारी गाड़ियां थी यार, अच्छी अच्छी गाड़ियां थी बाय द वे, देखो यहां पे वेनन F5 भी थी, ये नहीं पता कौन सी गाड़ी, आई डोंट नो, एवेंटेड और ये है मेरे पास सेम कार, एसजे ये बंदा आखिरी आया, व्हाट द फर्स्ट था भाई, रगेरा कोनीसेक की भी दो गाड़ियां थी, कोनीसेक जेस्को और रगेरा, वैसे हम लोग पीछे नहीं गए तो मैंने देखी नहीं पाया, एवेंटेड और भी थी भाई 2016 की, व्हाट भाई 2016 में भी एवेंटेड और आई थी भाई, ये वाली मेरे पास नहीं है, ये मुझे खरीदनी है, बुगाटी शिरोन, ओके इसको मैंने हराया, लेट्स गो भाई अपन बाप है भाई, चलो इस यहां से थोड़े बहुत पैसे मिले होंगे, देखते हैं कितना पैसा मिला है भाई, लेट्स गो 3000 एक्सपीरियंस प्लस 7000 रुपए, व्हाट 7700 भाई बहुत कम मिला है यार, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, भाई 50-60 हजार तो दो ताकि मैं थोड़ा और पैसा मिला के खुद से खरीदूं भाई, एक और ड्रैग में जाना पड़ेगा यार, ओके गाइस यहाँ पे एक ड्रैग होने वाला है, ये वाले ड्रैग चलते हैं, यहाँ पे मैं कभी ड्रैग नहीं गया हूं। और बहुत ज्यादा दूर है, कोई बात नहीं, एवेंटेड और में पहुंच ही जाएंगे भाई फटाक से, ओके एवेंटेड और नहीं निसान GTR, हमारे भाई के पास सारी गाड़ियां है भाई, चिल मारो यार, निसान GTR भी है ब्रो, एंड ये भाई चुम्मा भाई, इसका टर्बो भाई, ट्विन टर्बो का साउंड सुना आप लोग पागल हो जाओगे, ठीक है इसमें ट्विन टर्बो लगाया मैंने, ये देखना ठीक है, रुको मैं साउंड फुल कर रहा हूँ, फिर अब सुनना भाई, ठीक है भाई साहब, इसे कहते हैं साउंड भाई, देख रहे हो फुल आग छिड़ रही है भाई गाड़ी, चलो खैर ये गाड़ी बहुत ज्यादा हल्ला करती है भाई, दो तीन बार तो मैं पुलिस से पकड़ा चुका हूँ इस गाड़ी को चलाने के चक्कर में यार, खैर पीछे जाना है ना हम लोगों को, गाड़ी मोड़ लेते हैं भाई बिना ठोके छाके, लेट्स गो बैक इन द हाईवे गाइस, एंड यार फटाफट से चलते हैं एक और ड्रैग रेस में, एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी सुप्रा के साथ ड्रैग रेस कर लूँ, ताकि आप लोगों को भी दिख सके कि भाई मेरी जो सुप्रा है वो कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है ये फील्ड वाले ड्रैग रेस में तो भाई मैं सही किया अपनी भाई, एवेंटेड और की जगह मैं सुप्रा MK4 लेके जाता ना बुरी तरीके से हारता, क्योंकि वहाँ पे सुपर कार लग रही थी, और मेरी जो सुप्रा MK4 है वो भी सुपर कार है, बट गाइस वो एवेंटेड और बुगाटी जैसी गाड़ियों को टक्कर देने में ना भाई थोड़ा सा जान निकलता है, आफ्टर ऑल भाई वो 1990s की कार है, ओके आई मीन 90s की कार है, 1998 की है शायद, ओके आई डोंट रिमेंबर भाई, कमेंट सेक्शन में बताना, तो यार भाई 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 निसान GTR को फुल ऑफ रोडिंग करा देना भाई आज मैं, कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास डिफेंडर वगैरह भी है, एंड मैंने बहुत वीडियो बनाई है भाई, अगर आपको कुछ भी गाड़ी देखना है ना तो यूट्यूब पे सर्च कर दो उस गाड़ी का नाम Forza Horizon, और बस एक छोटा सा वर्ड लिख दो Dead Trash Gaming, आपको हर एक गाड़ी की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब। फिलहाल चलते हैं भाई साहब पहुंचने वाले, ओ शिट भाई बहुत सुंदर शहर है यार, ये शहर में बहुत कम आया हूँ पता है,
लाइक जंगलों में रहना ज्यादा पसंद है भाई मुझे, और मैं शहर में देख रहा हूँ भाई 300 भगा रहा हूँ भाई। बच गया वो, ये बंदे को देख रहा हूँ बच गया, अभी साले तेरे ऊपर चढ़ा देता गाड़ी भाई कसम से यार। बाय द वे भाई मैं पहुंच गया थोड़ा सा आगे, और पता है ये GTR का हैंडल ना भाई थोड़ा अलग सा है, लाइक थोड़ा ज्यादा ही मोड़ना पड़ता है भाई। आई मीन देखो ये बहुत ज्यादा हिलेगा, बहुत कम स्पीड में हिलेगा, 200-250 में हैंडल हिलना बहुत कम रहता है, बहुत कम गाड़ियां हिलती है, इसका बहुत ज्यादा हिलता है भाई। और एक्सीलेटर दो तो भाई गाड़ी भाई साहब छप्पर फाड़ भाई, लेकिन कंट्रोल भी प्यारा ही है। खैर चलो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, मैं आगे आ गया यार। अरे रुक जा गाड़ी, भागे जा रही है यार। ओके लेट्स गो, इतना काफी है। चलो भाई, और मैं इस बार GTR से ड्रैग नहीं करूंगा, हम लोग लेके आएंगे भाई साहब टोयोटा सुप्रा को। लेट्स गो यार। अरे अरे ये गाड़ी नहीं भाई, टोयोटा। लेट्स गो। 1998 की कार है भाई ये, 1998 की कि नहीं 1988 की कार है भाई। ओके गाइस, दिस इज माय सुप्रा MK4 क्लासिक एडिशन भाई। देख रहे हो नॉस लगा हुआ है, टर्बो है भाई मेरी गाड़ी में यार। लेकिन आज मैं जो सुप्रा खरीदूंगा ना ये ड्रैग रेस के बाद, लिटरली वो इससे भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल होगी, जितना खर्चा लगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 50 करोड़ लगे, आई मीन जितना भी आंख बंद करके पैसा लगे खर्च करूंगा, एंड ऐसी सुप्रा बनाऊंगा ना भाई आप लोग देखते रह जाओगे यार। सच में भाई इस बार तो छप्पर फार मॉडिफाई। लेट्स गो। इसको तो मैंने 2 मिनट में मॉडिफाई करके बनाया, अभी जो सुप्रा लूंगा ना 2 घंटे बैठ के मॉडिफाई करूंगा, चिंता मत करो आप बोर नहीं होगे। फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे भाई, बैक ऑन द ट्रैक गाइस, एंड मेरे सामने एक और टोयोटा की कार है, एंड बहुत सारी गाड़ियां हैं बाय द वे। चलो भाई अपनी यार सुप्रा में आते हैं, लेट्स गो। चलो भाई बैक ऑन द ट्रैक, लेट्स गो यार, इस बार प्यार से चलाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। लेकिन यार मैं सुप्रा को इस बार कंप्लीट टेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक कैसी भागती है यार। ये छोटी सी गाड़ी कौन सी है भाई सबसे आगे, भाई इसको देख के तो ठोकने का ही मन नहीं कर रहा है यार। क्या दोस्त, क्या नाम है भाई, गाड़ी का नाम तो बता दे दोस्त। भाई बम लग रही है भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओके जीत जाऊंगा भाई, आराम से जीतूंगा यार। इस सुप्रा है ब्रो, इट्स अ सुप्रा भाई। और यार पॉल वॉकर वाली मेरी फेवरेट सुप्रा ब्रो, मैं इसको जितना हाथ मेरी कोई गाड़ी में नहीं जमाना गाइस, ये गाड़ी में सबसे स्मूथली मेरा हाथ जमाए, ठीक है। प्यार से चलाता हूँ भाई इसको तो मैं आराम से। ओके 10 गियर की कार है, 10 गियर इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता भाई, 4-5-6 गियर में इन लोग निपट जाते हैं, मैं बता रहा हूँ यार। तीसरा गियर का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ब्रेक ही नहीं लगाता ना मैं, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है भाई। आराम से भगाओ, फटाका फोड़ते हो भाई। ओके शिट, ये महंगा पड़ेगा, एक चक्का उछल गया था, डैमेज बस ना हो गया हो। ओके अरे भगाना भी नहीं पड़ रहा भाई। ओके अब उन लोग आ रहे हैं, अब उन लोग आ रहे हैं मेरे जस्ट पीछे। ओ क्या ऑडी, ए भाई टक्कर, ए भाई चीटिंग, चीटिंग नहीं, टक्कर वक्कर नहीं। लेट्स गो, लेट्स गो, आराम से आराम से, मेरी गाड़ी स्किट बहुत कर रही है, टायर घिस गया क्या भाई। ओके ओके भाई साहब होने वाला है, रेस खत्म होने वाला है। स्पीड दिखा दूं क्या गाइस, क्या बोलते हो, स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़ना है क्या, डर जाएंगे भाई इन लोग स्पीड पकड़ूंगा तो मैं। बट गाइस रोड भी तो साथ देना चाहिए यार स्पीड पकड़ने के लिए, पहाड़ों के बीच में रेस हो रहा है यार, फुल व्यू तो एक तरफा है भाई आज का। रे साथ दे दे, नहीं दिया भाई साथ, ले भाई साहब ये महंगा पड़ेगा, रिवर्स में मुड़ना पड़ेगा। ओके आ मुड़ जा, मुड़ जा भाई, हिट हो गया, एक झटके में फर्स्ट से हिट हो गया हूँ भाई मैं। ओके लेट्स गो, लेकिन पकड़ेंगे, डरते हैं क्या, 8th से फर्स्ट भी हो जाऊंगा गाइस, देखते जाओ भाई। मैं पहला बंदा हूँगा जो रेस में रिवर्स लेके फर्स्ट, रिवर्स लेके पूरा पूरा 6-7 गियर तक भगाया हो भाई, 7th गियर से लेके 1st गियर तक। शिट ये टक्कर के लिए रिवाइंड लेना पड़ेगा भाई, ये बहुत पीछे कर देगा टक्कर। लेट्स गो, एक और सुप्रा है, ये देखो भाई मेरे आगे जो व्हाइट कलर की है, ये भी तो सुप्रा है। ओके ओल्ड मॉडल वाली भाई, मतलब मेरी वाली है, ओल्ड मॉडल क्या ही बोल रहा हूँ उसको। ओके चलो 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 चलो, इन लोग भी पीछे हो गए भाई, ऑडी लोग भी यार, मैं अकेला पीछे नहीं हुआ, लेकिन भाई मैं बैक कम बैक कर चुका हूँ, बस ये 3 गाड़ियों को पार करना है, ये तो साइड हो गया। ओके शिट, अरे यार रिवाइंड क्यों दब गया, शिट भाई। ओके चलो ठीक है ठीक है, हट जा हट जा हट जा साले। ओके बहुत गंदा मोड़ है, बहुत बड़ा मोड़ है यार, बड़े प्यार से मोड़ रहे हैं, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। ओके गाइस अब मामला गर्म है, अब अगर नहीं भगाया ना अब लिटरली हारूंगा मैं, अब लिटरली हारूंगा। 8th पोजीशन में हूँ मैं, आई मीन 3rd पोजीशन में, और 80% रेस खत्म होने वाला है। ओके ये पिद्दी को हराना है क्या छोटे भाई साहब, ऐसी हरा दूंगा भाई। क्या दोस्त, क्या दोस्त, की हाल चाल, केम चो मजा मा ठीक है
चलो गाइस गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं एंड मोड़ते हैं भाई। अब कोई मस्ती नहीं, अब कोई मस्ती नहीं, क्योंकि रेस का फिनिश पॉइंट जस्ट आ गया है। ओके मुड़ जा, लेट्स गो भाई। मैं ड्रिफ्ट मार के रेस जीत लूं भाई, उल्टा होके जीत जाओ रेस, लेट्स गो भाई, आराम से जीत गया। अरे भाई इसको कहते हैं सुपरा ब्रो, लेट्स गो। मैं फर्स्ट हूँ और लोटस एलिस सिल्वा भाई पूरी 90s की कार है। ये देखो मेरे पास 1998 की कार है और ये देखो पूरी गाड़ी आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैच डब भी आई थी भाई, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यार ये रेस के बाद अच्छे खासे पैसे मिल गए एंड अब मैं जा रहा भाई घर फटाफट से अपनी दूसरी गाड़ी में। इसमें तो कतई नहीं जाऊंगा, अभी बहुत लंबा रास्ता और ड्रिफ्ट मारते हुए तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है भाई। भाई मेरे पास तो मैकलेरन भी है, हाँ ये रही भाई मेरी फेवरेट लेरन, लेट्स गो भाई। मैंने इसको कुछ दिन पहले मॉडिफाई किया है, वीडियो भी बनाया, आप देखना भाई, ये बेस्ट कार है भाई, ये गाड़ी चुम्मा है, लेट्स गो दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरी मैकलेरन सेना और भाई एंटी लैग है, पीछे देखो ये भी आप छोड़ दिए भाई। इसका साउंड सुनाता हूँ, रुक जाओ अब सुनना, ठीक है। इसका बम साउंड है भाई, इसमें भी 10 गियर मैंने डाल के रखे। नहीं पता यार 10 गियर में ना, आई मीन मेरे को ड्रिफ्ट करना बहुत पसंद है, आई एम अ ड्रिफ्ट गाय भाई। मेरे को गाड़ी भागनी भी चाहिए और ड्रिफ्ट भी चाहिए, भले गाड़ी का हैंडलिंग कितना भी खराब हो, कोई कंट्रोल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ भाई, लेट्स गो। देख रहे हो यार कंट्रोल भी उतना कुछ बुरा नहीं है भाई, क्या प्यारा स्टीयरिंग है, देखो ना ये देखो। और तेरी तो भाई ये एक्सयूवी अच्छा, अभी भाई यार 4 करोड़ की गाड़ी ठोक दूंगा भाई मैं, लिटरली ये गाड़ी रियल लाइफ में भाई 4 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा है। 4 करोड़ तो बहुत कम हो गया इस गाड़ी के भाई, सर्विसिंग में लगता होगा 1-2 करोड़ ऐसी गाड़ी के। ओके लेट्स गो, यहाँ पे ड्रिफ्ट मारते हैं प्यार से। ओके यार बहुत गंदा ड्रिफ्ट हो गया, नहीं बट खैर कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं घर। Alright guys, यार फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं एंड लेट्स गो भाई। मैं जा रहा मॉडिफिकेशन करवाने, आई मीन एक नई सुपरा खरीदनी है मुझे, तो पहले सेकंड हैंड देखते हैं कोई अच्छी कार। ओ माय गॉड, मेरा ब्यूटीफुल ला कासा सोलेरिया घर का नाम है भाई ये। चलो भाई मैं इस बार खरीदूंगा सेकंड हैंड कार, नॉट अ फर्स्ट हैंड कार। ओके क्योंकि आप लोग डेफिनेटली यार कहते हो मुझे ऐसा वैसा, तो भाई सेकंड हैंड ही खरीदूंगा मैं, सस्ता ही पड़ जाएगा वो भी बात है, और पता भी चलेगा कि लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये देखो टोयोटा सुपरा 1992 की भी है, 1920s की भी है भाई, भाई 20s की नीचे 1992 की दिखाओ तो भाई। 1992 की सुपरा कैसे दिखती है भाई, ये वाली एक सुपरा है, ये तो भाई ये तो नहीं चलाते यार हम लोग। ओके भाई ये बम लग रही है, लेकिन नहीं हम लोग कुछ ये 1998 की यार, जो पॉल वॉकर चलाते थे एंड हम लोग चलाते हैं एंड गेमर फ्लिट चलाते हैं, ये वाली सुपरा भाई, ये वाली सुपरा है वो जो आप देखते हो उनकी वीडियो पे। ओके एंड ये मेरे पास भी ऑब्वियसली, एंड गाड़ी का रेट देख रहे हो भाई, 4 लाख, 4 लाख से 1 रुपए कम नहीं बेच रहा है कोई भी भाई, और फुल मॉडिफाइड करके। देख रहे हो ये, देख रहे हो ये वाली गाड़ी को, देखो भाई भाई ये वाली सुपरा देख रहे हो यार, ये बम दिख रही है यार, अलग ही लेवल का पेंट भी है, प्लस इसके टायर भी थोड़े स्टैंड है भाई, ये लेते हैं भाई मॉडिफाइड भी सबसे ज्यादा, लेट्स गो। एक ही गाड़ी खरीदते हैं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलो भाई ऐसी ये गाड़ी का लुक है एंड मैं गाड़ी आपको दिखा भी दूंगा अगर आप बोलोगे तो, रुको पहले गाड़ी देख लेते हैं। चलो ये गाड़ी है और फुल मॉडिफाइड लग रही है, टाइटेनियम बॉडी भाई, इसको खरीदते हैं आ जाओ। 4,50,000 रुपए फूकने वाला हूँ मैं, बट दैट्स इट भाई, यार काफी है भाई इतना, लेट्स गो। अपने पास आ चुकी है एक और टोयोटा सुपरा भाई, लेट्स गो यार, एंड ये गाड़ी बवाल लग रही है, ब्लू कलर भी थोड़ा अलग टाइप का है, लाइक बहुत यूनिक। मेरे पास जो है वो पॉल वॉकर एडिशन है, बट गाइज इट्स अ फ्रिकिंग इनसेन ब्लू कलर यार, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्लेम हो गई भाई, चलो गैराज चलते हैं, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी खरीदा है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, पहले उसको बैठ तो जाते हैं, लेट्स गो। कहाँ है भाई, मैं 100 से ज्यादा गाड़ियां, 700 गाड़ियां है मेरे पास, 100 भी नहीं भाई। ये खरीदा ना मैंने, ये वाला देखो, ये है मेरे पास अभी, ये मेरी पुरानी वाली थी और ये वाली है सुपरा RZ, ठीक है। चलो भाई ये गाड़ी पे बैठ के देखते हैं फील कैसा। ओ भाई सामने उसका छेदा क्यों दिया है भाई, है? सामने छेदा क्यों है, लेट्स गो। लेकिन ये गाड़ी का लुक है बहुत बहुत ही बढ़िया भाई, कितना बड़ा स्पॉइलर लगा है ब्रो, लेट्स गो। डिक्की खुलता है भाई, स्पॉइलर लगने के बावजूद भी डिक्की खुलता है, इंटीरियर तो देखने की जरूरत नहीं है। बोनट खुलेगा ना, बोनट आई डोंट थिंक सो खुलेगा यार, नहीं खुलने वाला बोनट, खैर। चलो ये गाड़ी मैंने अभी खरीदी है, मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये अभी स्टॉक कार है एंड इस गाड़ी का टॉप स्पीड देख के आते हैं, चलो लेट्स गो भाई, कितना बड़ा स्पॉइलर है, एंटी लैग लगा है क्या भाई, इस गाड़ी का साउंड चेक दिस आउट भाई साहब, कितना गर्दा साउंड है भाई गाड़ी का, सुन के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है गाड़ी ड्रिफ्ट ट्यून्ड है भाई, उस बंदे ने ड्रिफ्ट पे ट्यून किया है। ओके आई मीन वो बंदा ज्यादा भगाता नहीं होगा जिसकी ये गाड़ी थी जिससे मैंने खरीदा है सेकंड हैंड,
ड्रिफ्ट वाला बंदा लग रहा है, देखो गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है भाई, बंदे ने बम मॉडिफाई किया यार, ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट कर रही है गाड़ी भाई, मजाक नहीं करूंगा, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे से तो आउट ऑफ कंट्रोल है। 6 गियर की कार है और आई डोंट थिंक सो ये गाड़ी का ज्यादा स्पीड होगा, बट फिर भी भाई ड्रिफ्ट करती है तो एक बार ड्रिफ्ट करके आते हैं, ठीक है। पास ही में एक सर्कल है गोल वाला जहाँ पे ड्रिफ्ट करते हैं लोग, एंड चेक करते हैं इस गाड़ी की पावर क्या है भाई। ओके चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ, मोड़ते हैं। ये भाई गाड़ी मुड़ कम रही है, ड्रिफ्ट ज्यादा। ओके शिट यार, मैं ये सोच रहा हूँ बंदा चलाता कैसे होगा भाई, कौन से टायर लगा के रखे हैं बंदे ने गाड़ी पे, यार टायर इतना फिसल रहा है ना, एंड यार गियर चेंज करने में भी फील नहीं आ रहा, मजाक नहीं करूंगा, मैं जितना भी गाड़ी चलाता हूँ गियर चेंज करता हूँ ना, गाड़ी ऐसे ऐसे झटका देती है, पता है ये गाड़ी झटका ही नहीं दे रही भाई। ये देखो मैं कितना गियर 6 5 4 3 2 1 कर दे रहा हूँ चलाते हुए, गाड़ी कुछ फील ही नहीं दे रही भाई। बाय द वे उधर जंगल में कौन है भाई, वो देखो पेड़ के पास सटा हुआ भाई, टुक गई है क्या किसी की गाड़ी, हेलो दो वो करना है क्या भाई। भाई ये गाड़ी भागेगी नहीं भाई ज्यादा, अगर इस गाड़ी को मैं भगाऊंगा भी ना तो ये गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं करने वाली भाई, इस गाड़ी को मुझे फिर से खुद के हाथों से मॉडिफाई करना पड़ेगा, पहले ड्रिफ्ट ट्राई करते हैं भाई। भाई मेरे को इधर नहीं मोड़ना था, सर्कल उधर है दोस्त। यार जिसकी गाड़ी है वो चलाता कैसे होगा भाई ये गाड़ी को, मैं तो पागल हो रहा हूँ सोच के यार, ये ऐसी मुड़ रही है गाड़ी, गाड़ी ड्रिफ्ट भी नहीं कर रही भाई, अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट है ये गाड़ी, बस गोल गोल 360 करेगी भाई। गाड़ी के पास बस लुक है भाई, मतलब भाई मैंने ऐसे छोटे मोटे बंदे से गाड़ी खरीद लिया यार, बस गाड़ी को चमका के बेच रहा था लगता है, स्कैम हो गया लग रहा है भाई। एक लास्ट ट्राई दूंगा फिर तो भाई मैं जा रहा घर, ठीक है स्कैम तो हो गया लग रहा है। ओके 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 भाई नहीं हो रही है गाड़ी, नहीं कर रही, आई एम नॉट किडिंग, ये गाड़ी बहुत बेकार है भाई। चलो बेकार है तो क्या हुआ, मैं मॉडिफाई करके इस गाड़ी में जान डालता हूँ, देखते जाओ यार अब, लेट्स गो, वी आर एट द होम यार, मैं घर तो आ गया और गाड़ी का लुक तो प्यारा है बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेट्स गो घर चलते हैं एंड गाड़ी को रीमॉडिफाई करते हैं, एंड मेरे तरीके से भाई डेट्रैक्स एडिशन मॉडिफाई करेंगे, लेट्स गो। ओके सबसे पहले ट्यूनिंग वगैरह किया जाएगा गाड़ी का और एक एक पार्ट में चेंज करूंगा भाई अपने हाथों से। ओके ये है सिंपल लुक, बंदे ने क्या क्या लगा के रखा था सब निकाल दिया मैंने, और ये सब लगाएंगे, ट्विन टर्बो भी लगा लेता हूँ पहले, रुको, ट्विन टर्बो एंटी लैग लगाते हैं पहले, हाँ रेस एंटी लैग भाई, दो तीन तो है क्या, हाँ रेस एंटी लैग ये लगाना है। इग्निशन भाई, इग्निशन लगाने से तो गाड़ी का पावर गिर रहा है, और एग्जॉस्ट मैंने लगा दिया, पीछे वाला को भी मैं इंप्रूव किया हूं, लेकिन मैं भी सामने लगाने का सोचा हूं, जैसे लाइक उनका है गेमर फ्लिट का है उनके जैसा करूंगा, बट रुको अभी यार अंदर के पार्ट्स पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। वाल्व्स ओके ये लगाते हैं महंगा वाला, डिस्प्लेसमेंट नो नीड भाई, पिस्टन महंगा वाला, ट्विन टर्बो तो भाई मैं एंटी लैग लगाऊंगा, फटाका फोड़ना है मुझे ऑफ कोर्स यार, और इंटरकूलर चेंज नहीं करना भाई, पावर ही गिर रहा है। मेन क्या है ना यार, गाड़ी का वजन बढ़ जा रहा है ना, ये वही मेन दिक्कत वही है भाई, गाड़ी का अगर वजन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी भाई। अभी अंदर का वो हो गया, डिस्क ब्रेक की वाली बात हो गई, तो लगाना क्या है, ये एक डिस्क ब्रेक है, ये एक डिस्क ब्रेक है राइट, तो कौन सा लगाऊं मैं, ये वाला लगा रहा हूं, ये भी है और ये भी है, वैसे उधर वाला ज्यादा सुंदर था बट मैं ये लगाया हूं। ओके और सस्पेंशन, स्पीड भाई स्पीड, गाड़ी कंप्लीटली स्पीड मॉडिफाइड करूंगा, लेट्स गो। गाड़ी को मैंने हल्का भी कर दिया है, वेट रिडक्शन पूरा निकालो भाई, पूरा पार्ट्स निकालो, वेस्ट चीज होना ही नहीं चाहिए यार गाड़ी पे। क्लच, रेस क्लच ठीक है, ट्रांसमिशन भाई ये गाड़ी 6 गियर की, इतना गियर बढ़ाओ 10 गियर की गाड़ी बनाते हैं, 4 गियर की गाड़ी में ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ना नॉर्मल ठीक है भाई, डिफरेंशियल रेस डिफरेंशियल ना रैली लगाना है मुझे, ड्रिफ्ट भी करूंगा और गाड़ी भागेगी भी भाई ऑफकोर्स यार, और चिकना वाला टायर ओके, ये तो नहीं भाई, मैं ये करता हूँ ये वाला टायर हर बार, MRF का स्लिकी रेस टायर कंपाउंड ठीक है, ये बेस्ट टायर है भाई, ड्रिफ्ट भी होती है गाड़ी भागती भी है, सबसे बेस्ट टायर भाई, आप भी खेलोगे वही लगाना, मैं बता रहा हूँ एक नंबर भागेगी गाड़ी, भागेगी भी ड्रिफ्ट भी कर पाओगे, प्लस मोटे मोटे चक्के, और इसको बड़ा करने क्या, इसको बड़ा करने से तो गाड़ी गिर रही है भाई, ठीक है अब कंट्रोल बढ़ेगा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हैंडलिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी गाड़ी चाहिए ना भाई जिसमें कंट्रोल अच्छा और गाड़ी भागे भी जोरदार भाई, तब मजा आता है यार, ऐसी गाड़ी ले रहे हो जो बस भाग रही है भाई, कंट्रोल नहीं दे पा रही है तो क्या मतलब यार, सामने का बोनट वगैरह भी मिल जाएगा एक से, फ्रंट बम्पर जो है देख लो, ये वाली है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ओके फोर्सा एडिशन सब बकवास लग रही है भाई, ये पुरानी वाली बेस्ट है सबसे बेस्ट। स्पॉइलर देखो ये वाली लग रही है, ये भी लग रही है, ये भी लगी, वाओ भाई उड़ जा रहा है इसमें, ओ तेरी भाई ये भी एक नंबर है, ओ तेरी ये भी सही है, ये भी सही है,
लेकिन ये लगाने में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा यार, तो मुझे स्पीड भी ध्यान देना है तो वो मैं लगाता हूँ। पीछे का बम्पर परफॉर्मेंस ना गिरे भाई, चलो यही ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं गिर रहा। ओके गाइस, टोटल खर्चा आ रहा है 58,000 का एंड गाड़ी का वजन मैंने 400 किलो कम कर दिया है। गाड़ी की पावर 5 गुना बढ़ा दिया भाई, पहले 320 हॉर्स पावर की कार थी एंड अब हो चुकी है 1600 हॉर्स पावर की कार। लेट्स गो भाई, खर्च करते हैं, चलता है, मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, यार अपनी कमाल की सुप्रा रेडी हो चुकी है भाई। ये है सुप्रा MK4 विद गोल्डन रैप एंड मैंने कुछ स्टिकर्स भी लगाए हैं बगल में, सामने से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। एंड ये गाइस यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट सुप्रा में से एक है। ओके सो गाइस, पहले मैं आपको इसका पावर दिखाता हूँ। ये गाड़ी रुकी हुई है, ये देखो भाई फुल लॉन्च कंट्रोल है, सामने का चक्का उठ जाता है, ठीक है। ये देखना, ये देखो भाई भाई भाई, आप लोग गैस नहीं कर सकते यार इस गाड़ी का टॉप स्पीड कितना होने वाला है भाई। चलो फिलहाल यार गाड़ी में बहुत ज्यादा पावर लग रहा है, 4 गियर की है, नहीं 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 6 गियर की गाड़ी है। ओके एंड अब गाड़ी अपना कंप्लीट टॉप स्पीड पकड़ सकती है। ओके एंड अब गाड़ी को 0 to 100 पकड़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, गाड़ी बहुत ही कम टाइम में 0 to 100 पकड़ सकती है। प्लस गाड़ी में पावर इतना ज्यादा है कि सामने का चक्का उड़ जाता है भाई, पिकअप इतना तगड़ा लेती है। ओके लेकिन गाइस गाड़ी की स्पीड यार, गाड़ी का कंट्रोल थोड़ा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, पहले मैं चला पाता था, अब चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई, बहुत ज्यादा मुड़ना पड़ रहा है। ओके स्टेयरिंग थोड़ा सा लाइक मेरे हिसाब से नहीं है, आदत पड़ जाएगी, 2-3 बार गाड़ी चलाऊंगा तो, वैसे कोई बात नहीं है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों पहले मैंने लैम्बोर्गिनी वेनेनो के ऊपर या एसेंसा के ऊपर वीडियो बनाई थी। ओके उस वीडियो में ना भाई बंद गाड़ी के टायर जल गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी एसेंसा थी शायद, एसेंसा या वेनेनो थी, ठीक है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग देखना। उस वीडियो में भाई गाड़ी के टायर लिटरली जल गए थे, आपने अभी तक किसी की भी वीडियो में नहीं देखी होगी टायर जलते हुए। ओके एंड भाई मैं खुद पहली बार देखा था गाड़ी के लिटरली स्पॉइलर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पेडल्स वगैरह जलना चालू हो गए थे यार, गाड़ी में इतनी ज्यादा पावर थी भाई, मैं इतना ज्यादा क्या कहते हैं उसे ट्रैक्शन जनरेट कर रही थी भाई, देख के जल गया था यार। Alright guys, यार back in the horizon and यहाँ पे तो भाई फुल गाड़ी ड्रिफ्ट मारी है, अब गाड़ी प्रॉपर ड्रिफ्ट ट्यून भी हो गई है, लॉन्च कंट्रोल इतना तगड़ा है ना यार गाड़ी का, पूछो मत भाई, let's go। गाड़ी तो बवाल है भाई, लेट्स गो। मैं गाड़ी का आप लोगों को वो दिखाता हूँ सामने का चक्का उठाते हुए। ओके ये गाड़ी फुल स्टॉप है, फुल पावर जनरेट यार, काफी तगड़ा साउंड है। अब ये देखो, ओ भाई साहब यार लॉन्च में बढ़िया उठती है भाई, सामने का ये देखना। Guys, मैं बेताब हूँ इस गाड़ी का टॉप स्पीड देखने के लिए, मेरे हिसाब से भाई उतना ज्यादा भी नहीं भागेगी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरी पिछले वाली जो मैंने गाड़ी चलाई थी वो गाड़ी का टॉप था 450 कुछ, ओके 452 गई थी, ओके 452 या 451 गई थी जहां तक मुझे याद है, ज्यादा नहीं गई थी। ये गाड़ी का हाईएस्ट देखते कितना जाता है, आई थिंक सो एक दो, मतलब एक या दो आगे पीछे होगी, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि मैंने भी वो वाली सुप्रा को टॉप क्लास मॉडिफाई किया था एंड ये भी टॉप क्लास मॉडिफाइड है, मुझे ज्यादा खर्चा नहीं लगा, मैंने सेम पार्ट्स ही खरीदे हैं लगभग यार, मुझे ज्यादा पार्ट्स भी नहीं मिले यार। सो गाइस, क्या मेरी टोयोटा सुप्रा तैयार है गेमर फ्लीट की सुप्रा को हराने के लिए? तो गाइस यार 3 तक काउंट करते हैं, 0 to 100 देखते हैं कितना जल्दी पकड़ती है। 1, 2, 3 लेट्स गो। पहला गियर, ओ तेरी भाई, ओ शिट 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 भाई, काफी तगड़ा लॉन्च कंट्रोल हो गया, रुको रुको रुको। ओके 0 to 100, 1, 2 and 3 लेट्स गो, स्टीयरिंग टाइट एंड सामने का चक्का उठा एंड भाई साहब बहुत तेज, लाइक 1.5 seconds। ओके लेकिन मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग जा रहा हूँ यार, ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, इतना ज्यादा पावर जनरेट कर रही है ना गाड़ी भाई, लिटरली मैं हैरान हो जा रहा हूँ। ओके एक हाथ से पकड़ के तो कंट्रोल करना मुश्किल है, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ यार। ओके लेट्स गो, टाइट टाइट द ट्रैक्स टाइट, ओके ठीक है टाइट है, लेट्स गो भाई, बहुत तेज है गाड़ी यार, लिटरली बहुत ज्यादा तेज है, स्टीयरिंग देखो आप हिल रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है, मैंने नहीं नहीं मतलब ठीक है, स्पीड में गाड़ी कंट्रोल हो जा रही है, स्पीड में दिक्कत नहीं है, मेरी वाली गाड़ी तो भाई जीरो में दिक्कत नहीं, कोई स्पीड में दिक्कत ही नहीं है, 10 गियर की, जितना ज्यादा गियर होता है ना गाइस गाड़ी में उतना ज्यादा अच्छी कंट्रोल होती है, ठीक है। एंड ये गाड़ी में भाई कम 6 गियर है, 6 गियर तो वैसे नॉर्मल मतलब सुपरकास्ट में होती है भाई, 2 वाली है यार, शिट भाई हो गया, कहां चांद ले जाएगा वापस। ओके चलो 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 मैं ये थर्ड लेन चलाऊंगा भाई, ये गाड़ी छूट जाएगी भाई, कंट्रोल छूट जाएगा अगर मैं गाड़ी को थोड़ा सा भी एक बार ऑफ रोड कर दिया तो, सच बता ये गाड़ी को बहुत स्टेडी होके चलाना पड़ रहा है, नहीं पता भाई यार कैसे 6 गियर में सुप्रा लोग कैसे चला लेते हैं भाई, 6 गियर में सुप्रा मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, कहाँ फंस गई गाड़ी मेरी। ओके निकालो यार, वैसे गाड़ी चमक बहुत ज्यादा रही है भाई, बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है ना। ओके चलो टॉप स्पीड अभी भी गए नहीं हम लोग, ओके 5वां गियर लग चुका है, इससे पहले हम लोग 444 तक गए थे राइट,
छठो आ गया यार, लेट्स गो। कंट्रोल छूट रहा है, यही तो बात है। देखो गाड़ी मुड़ ही नहीं रही ना भाई, मैं हल्का सा मुड़ूंगा, मेरे को पता है गाड़ी हवा में है भाई, गाड़ी के सामने के चक्के हवा में, ये देखो ना मुड़ ही नहीं रही। मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, आप लोग मेरा हैंड कैम देखो यार, इतना स्पीड में ना बहुत ज्यादा नहीं मोड़ सकते, थोड़ा सा ही मोड़ना है खाली, ज्यादा मोड़ूंगा तो गाड़ी खत्म है। देखो फिर खत्म हो रही है भाई, क्या है यार, आई कैन बैट भाई। गेमर फ्लीट ने भी इस गाड़ी की टॉप स्पीड नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से यार। ओके लेट्स गो भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रही भाई ये गाड़ी। ओके ज्यादा पावर डल गया कि, चलो अब स्ट्रेट रोड है, लेट्स गो प्लीज, टॉप गियर, टॉप स्पीड प्लीज। ले भाई साहब, बहुत मुश्किल है यार इस गाड़ी की टॉप स्पीड देखना भाई, बहुत ज्यादा। 0-20 मतलब टॉप लोगे, इस बार मैं कंट्रोल करूंगा, अभी तक हम लोग टॉप स्पीड नहीं देख पाए भाई इस गाड़ी की। ओके लेट्स गो, चौथा गियर आराम से भाई। देखो ना गाड़ी मुड़ ही नहीं रही है, स्टेयरिंग इतना हिला रहा हूँ मैं, अब बताओ मेरी क्या मेरी गलती है क्या है। अब मैं ज्यादा मुड़ूंगा गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी भाई। ओके बच गया, इतू सा बच गया भाई मैं। ओके लेट्स गो, मुड़ जाओ, मुड़ती तो नहीं है ये, गई ये देखो, इसलिए मैं ज्यादा स्टेयरिंग नहीं मुड़ रहा था भाई, गाड़ी गई। नहीं गई भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा है क्या मेरे साथ, ये देखो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली चाल चल रही है गाड़ी। भाई शिट शिट भाई, बहुत मुश्किल है यार, कंप्लीटली मॉडिफाइड कार है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल मुश्किल है इसको टॉप स्पीड पे लेके जाना। आई डोंट नो भाई लोग इसको इस मॉडिफिकेशन पे कैसे चलाते हैं। ओके हो गया, काफी है इतना तो रे तेरी भाई, इतना यहाँ भी नहीं आ रहा यार, रोड पे लाओ भाई, यहाँ तक तो गाड़ी वॉबल ही हो रही थी। ओके यहाँ पे उछल गए थे ना हम लोग कहाँ पे, तो ओके यहाँ पे तो गाड़ी उड़ी जाती है भाई। अच्छा उड़ने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा था भाई, बच गया मैं। ओके चक्कर आ रहे हैं भाई कसम से, इस गाड़ी को चला करके अंदर से चलाओ भाई, अंदर से कितना शांत लग रही है गाड़ी। ओके लेट्स गो, अब फिर उड़ने वाली है, यहाँ पे ढलान है थोड़ा सा, नहीं है भाई गाड़ी कंट्रोल वाली है ही नहीं भाई, मजाक नहीं करूंगा, ये गाड़ी को कंट्रोल कर पाना इट्स लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये देखो ना, ओके मैंने अच्छी मॉडिफाई की है भाई, मेरी वाली जो पुरानी वाली सुपरा है ना वो ज्यादा अच्छी मॉडिफाइड है यार, भले 450 देती है ये, थोड़ा सा ज्यादा दे देगी, 460 दे देगी भाई, ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन भाई ऐसा कंट्रोल भी क्या कि हम लोग 460 ही ना पकड़ पाए भाई। ओके अब स्ट्रेट रोड है, प्लीज कार टॉप दिखा दे अपनी। ओके 450 टच, थोड़ा सा और 450 टच करना साले कूतरे आ। नहीं भाई रुको, रिवाइंड करना पड़ेगा यार, वो टक्कर की वजह से हो गया खराब पूरा, टक्कर से पीछे आओ। टेस्ट करते हैं, अभी भी कर सकते हैं हम लोग टेस्ट, गाड़ी अच्छे खासे स्पीड में 450, लेट्स गो 450, 451 हाईएस्ट है। आ शिट भाई, ये गाड़ी 450 तक गई है, उसके ज़्यादा अभी जा सकती है, बट गाइस गाड़ी पलट गई भाई, मैं क्या कर सकता हूँ यार, सीधी भी हो गई, वाह भाई बहुत मुश्किल है यार। आई डोंट थिंक सो, गेमर फ्लीट की जो सुपरा है वो भी भाई 451, 452 से ऊपर जाती होगी, एंड अगर वो ले जाते भी होंगे तो वो जिंदगी में एक बार लेके होंगे किस्मत से, मैं 5-6 बार करूंगा तब जाके भाई थोड़ा और स्पीड मिलेगा मुझे। ओके क्योंकि गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो रही ब्रो, एंड बिना रिवाइंड के ये मत सोचो मैं नूब हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, मैंने इस गेम की 99% हर एक कार चलाई है ठीक है, और ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि भाई ये गाड़ी का कंट्रोल ही सही नहीं है ठीक है, ये टॉप गियर मॉडिफाइड है, गाड़ी का बॉडी हैंडल नहीं कर पा रहा है, गाड़ी लॉन्च कर रही है तो भाई गाड़ी का सामने का उठ जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना, गाड़ी के हिसाब से वजन कम हो गया गाड़ी का, कुछ ज्यादा ही कम हो गया कि इतना कि भाई गाड़ी उठ जा रही है। ओके ड्रिफ्ट ट्राई करते हैं इस गाड़ी में, ड्रिफ्ट हो जाएगी, ड्रिफ्ट एक नंबर होगा, एक नंबर का थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा भाई, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है यार, आई एम नॉट किडिंग, गाड़ी एक नंबर है, मजाक से हटके गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स सो फ्रिकिंग रॉन्ग, वेट वगैरह थोड़ा सा हो गया हल्का, मैंने इसे ले किया ताकि स्पीड ज्यादा मिले, एंड थोड़ा ज्यादा ही हल्का हो गया, इतना ज्यादा हल्का हो गया कि भाई गाड़ी गोल गोल घूम जा रही है यार, ड्रिफ्ट करना छोड़ के ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, बस यही बात है और कोई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरी सुपरा है भाई, रुको निकाल लो भाई साहब, मैं अपनी सुपरा बोला, इसको देखो भाई परफेक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, भले ये चालू करते समय ऐसा उठता नहीं है सामने का, बट कंट्रोल पूरा है ठीक है, 10 गियर की कार है, फुल हाथ में कंट्रोल है, ड्रिफ्ट मारना है तो ड्रिफ्ट मारो प्योरली ड्रिफ्ट, एंड गाड़ी इवन इतनी अच्छी है कि भाई ये गाड़ी ड्रिफ्ट भी नहीं समझती है, ये गाड़ी को लगता है कि गाड़ी डिसबैलेंस है। ओके ये देखो गाड़ी को लगता है हम लोग मिसबैलेंस होके चला रहे हैं ठीक है, हम लोग का बैलेंस बिगड़ रहा है और गाड़ी खुद ही बैलेंस बना लेती है भाई, ऐसा किया जाता है मॉडिफिकेशन ठीक है, जरूरी नहीं है यार 6 गियर 7 गियर की कार है तो गाड़ी में बहुत दम होगा भाई, मैं देख रहा हूँ भाई यार, भले 10 गियर की कार है लेकिन इतना परफेक्ट ड्रिफ्ट करती है ना, मजाक नहीं करूंगा, आप मेरे घर के आसपास रहते हो ना आना, इस गाड़ी में ड्रिफ्ट करना भाई बच्चों का खेल है भाई,
ठीक है। और ये कोई ज्ञान मान मत देना कि भाई जिसमें हार्ड होता है वही प्रो होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं आपको बोलूंगा गधे के साथ रेस जीत के दिखाओ, आप कितने भी प्रो रहोगे घोड़े से वो जीत ही नहीं सकता, वही वाला बात है ठीक है। गधे को कितना भी सिखाओ यार, घोड़े से थोड़ी तेज भागेगा ठीक है। देखो ये देखो ऐसा आना है रोड पे मस्त से ठीक है, और ब्रेक लगा के गाड़ी को सीधा कर लो भाई और ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस है इसके लिए भी लगेगा। अब मैं 4-5 गाड़ी चला रहा हूँ एक ही गेम में तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस छूट जाता है। ओके शिट 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 रोड में आ जा रे, लेट्स गो। चलो खैर वो तो मेरे को नहीं लगता वो जो गोल्डन सुप्रा मैंने मॉडिफाई किया उसका कोई फायदा है। मेरी ये 10 गियर की सुप्रा मुझे अभी भी ज्यादा बेटर लग रही है, भले ये गाड़ी 5वां गियर में 100 पकड़ रही हो, लेकिन गाइस 10 गियर तक मैं इसको यार ऑन रोड नहीं चला सकता भाई। ड्रैग रेस में 10वां गियर कभी मैं ओपन कर ही नहीं पाता हूं, ठीक है। एंड गाड़ी की स्पीड देखो भाई, कंट्रोल भी देखो यार, मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूं भाई। ओके पकड़ना पड़ेगा, ऑफ ट्रैक हो रही है, लेट्स गो। ये देखो नो टेंशन भाई, नो टेंशन। ओके थोड़ा सा ठुका, शिट भाई अब टेंशन हो रही है यार। शिट 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 शिट, कोई बात नहीं कोई बात। बस एक ही दिक्कत है, गियर कम करने में बहुत टाइम लग जाता है भाई। 10 गियर की कार है तो यार तीसरा में ले जाने में 4 बार ऐसे दबाओ, उसमें मेहनत है। ओके ओके कंट्रोल भी देख लो, क्या मस्त कंट्रोल कर रहा हूँ भाई मैं। इट्स ऑल अबाउट अ फ्रीकिंग गियर भाई, गियर का खेल है भाई। 10वां गियर में कंट्रोल वैसे नहीं होगी जैसे आप अभी मेरे को देख रहे थे, ठीक है। मेरे को एक गियर डाउन करना पड़ेगा। एंड स्पीड देखो भाई, टॉप स्पीड कैप्चर कर लूंगा मैं, भले गाड़ी की स्पीड कम है लेकिन भाई साहब मैं हाथ हटा दिया यार, वरना बचा लेते होता। हो गया भाई, कितना पीछे जाएगा ठीक है। तो ये वाली बात होती है ठीक है, गाड़ी को जरूरी नहीं है, गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी सबसे अच्छी है भाई। जो गाड़ी तेज होती है इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो कंट्रोल भी अच्छी होती है, ठीक है। जेस्को वगैरह की बात अलग है, जेस्को भाई 500 पे भी अच्छा कंट्रोल होती है। एंड जेस्को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, चलो मैं आपको जेस्को दिखाता हूँ, रुक जाओ ठीक है। इसका तो टॉप स्पीड आपने देखा ही, जेस्को दिखाता हूँ। वैसे पता है मैंने ना कोनीसेक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है ठीक है। 5 गाड़ियां हैं मेरे पास, कोनीसेक जेस्को, कोनीसेक 1, कोनीसेक अगेरा रगेरा सीसीएस 2, ये 5 गाड़ियां निकली है कोनीसेक की एंड मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाई है। यूट्यूब पे सर्च कर लो कोनीसेक कार कलेक्शन टेट्रास गेमिंग फोर्ज़ा होराइज़न, इतना लिखो आपको भाई मेरी वीडियो मिल जाएगी। मैंने कंप्लीट कार खरीदी है कोनीसेक की ठीक है, जितनी भी है सब खरीदी है, सबका ड्रैग टेस्ट किया, स्पीड टेस्ट किया, सब मिल जाएगी, डेफिनेटली मजा आएगा अगर आप कोनी के फैन हो। ये गाड़ी अब तक की दुनिया की फास्टेस्ट कार है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है एंड गाड़ी की टॉप स्पीड आप लोग देखते जाओ भाई, आसमान छूती है गाड़ी। लेट्स गो लेट्स गो, पहला गियर यार मैं बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, मैं लिटरली जेस्को को ज्यादा चलाता नहीं हूँ। लोग बोलते हैं भाई इसको मत लेके आया कर भाई, ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, हम लोगों की फट जाती है, तो यही वाली बात है, इसको मैं बहुत कम निकालता हूँ। ओके ये देख रहे, ओ शिट रोड में ध्यान नहीं था। ये गाड़ी देखो अभी से 460 सबका रिकॉर्ड तोड़ दी भाई, सुप्रा का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, 400-500 टच होने वाली है, देखते हैं गाइस कितना जाती है। ओके एंड कंट्रोल भी है, ये बात नहीं कि कंट्रोल भी नहीं है, देखो पूरा कंट्रोल दे रहा हूँ मैं गाड़ी को आराम से, स्टेयरिंग इतना हिला भी रहा हूँ फिर भी गाड़ी को कुछ हो नहीं रहा भाई। ओके थोड़ा सा स्पीड कम करो, मोड़ है, आगे तूफान आ रहा है क्या भाई। लेट्स गो 490 495 तक जाएगी आई गेस, 493 ओके 493 देखा है मैंने अभी हाईएस्ट इसका। लेट्स गो गाइस, ये इस गाड़ी की टॉप स्पीड है भाई, 15 किलोमीटर हम लोगों ने फासला लिया है ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लगे हैं, 15 किलोमीटर यार, 15 किलोमीटर रियल लाइफ में ठीक है। ये गाड़ी रियल लाइफ में 15 किलोमीटर भाई 20 से 30 सेकंड में कवर कर सकती है अगर स्ट्रेट हाईवे है तो ठीक है। ये गेम में जितना आप देखते हो वो कंप्लीट रियल मैकेनिक्स है, अगर इस गेम में 2 मिनट लग रहे हैं 2 किलोमीटर करने में तो रियल लाइफ में भी 2 किलोमीटर लगेगा अगर ट्रैफिक को इग्नोर करो, क्योंकि ये ओपन हाईवे में भगाते हैं, वो बात अलग है। बट गाइस रियल लाइफ से आप कंपेयर कर सकते हो इस गेम को, आई एम नॉट किडिंग, गेम डेवलपरों ने बोला है भाई, चेक कर लो यार गूगल पे। ओके बाय द वे ड्रिफ्ट भी अच्छा कर ही लेती है, वैसे मैं पहली बार ड्रिफ्ट कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छी ड्रिफ्ट हो रही है भाई उसमें। ओके लेट्स गो, प्यारा है यार, नॉट बैड नॉट बैड भाई, गाड़ी एक नंबर है भाई। ये देख रहे हो भाई कितना मस्त प्यार से कंट्रोल हो, ये ओके ये सही है भाई गाड़ी का यार, बहुत प्यारा ना। चलो खैर गाइस यार आज के वीडियो में नहीं भाई, होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना यार, लाल वाला या ग्रे कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का दबा दो। एंड हम लोग यार 4 लाख सब्सक्राइबर के करीब है तो सब्सक्राइब करके करवा दो 4 लाख यार। एंड हाँ गेमर फ्लीट को ये वीडियो शेयर कर देना, अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं डेफिनेटली ड्रैग करूंगा, हालांकि चांसेस कम है यार, बहुत बड़े क्रिएटर है वो, बट गाइस जनता चाहती है तो ये डेफिनेटली हो सकता है, तो जाके उनकी वीडियो में कमेंट कर
करना, बाकी उनकी मर्जी। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भाई मेरी सुप्रा उनकी सुप्रा को टक्कर दे सकती है, भले हार जाएगी वो बात अलग है, लेकिन कांटे की टक्कर तो देगी भाई। मेरी सुप्रा कंट्रोल होती है, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है। और ये आप भी देख चुके हो। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। ये रहा फोर्ज़ा होराइज़न का प्ले लिस्ट भाई, यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी मैंने जो जो बनाया, हर एक ड्रैग रेस, हर एक कार, सुप्रा, मैजडा, निसान जीटीआर, लैम्बोर्गिनी की हर एक कार, इवन मैंने पिछला फोर्ज़ा का एपिसोड यही था, कंप्लीट लैम्बोर्गिनी की कार, पहली लैम्बोर्गिनी से लेकर के अब तक की जितनी भी निकली है सब मैंने खरीदी है वो वीडियो पे, तो जाके देखो। बाकी यहाँ पे दो और वीडियो दे रहा हूँ, दोनों में से कोई भी देखो, दोनों बेस्ट है। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।